हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बात प्रवासी मजदूरों की भी कर रहे हैं। दरअसल प्रवासी मजदूरों के दर्द की दास्तां कम नहीं है। हर रोज हर तरीके से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इसी दर्द की दास्तां को आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। दरअसल झज्जर से 486 प्रवासी श्रमिकों को लेकर हरियाणा रोडवेज की बस आज गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई। गुरुग्राम से इन मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। वहीं बहादुरगढ़ उपमंडल के 332 प्रवासी श्रमिक को इसी ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा और इन सभी को 14 बसों में ले जा करके गुरुग्राम लाया गया। इस मौके पर प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। वहीं एसटीएम शिखा ने बताया कि डीसी के निर्देशानुसार यूपी और मध्य प्रदेश मजदूरों को भेजा जा रहा है। आज हमने कॉलेज से 486 प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश की ओर रवाना किए हैं, जिनके लिए गुड़गांव से हमने सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था कर रखी है और हमने सब कुछ यहाँ से गुड़गांव के लिए रवाना कर दिया। अभी तक की बात की जाए तो टोटल कितने श्रमिकों को हम यहाँ से भेज चुके हैं? हम दिन प्रतिदिन जैसा कि उसका शेड्यूल आता है उसी के अनुसार हम अपनी यूपी मध्य प्रदेश बिहार समय समय पर हम अपने प्रवासी मजदूर हैं उनको भेज रहे हैं। यूपी जो है डेली हमारी बसें जा रही हैं